कथित नीट पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए पटना में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा तलब किए गए दो छात्र आज यूनिट के सामने पेश हुए। बारामूला जम्मू कश्मीर के हादीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना ने दो आतंकियों को ढेर किया। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा, हम सभी का सहयोग चाहते हैं ताकि हम झारखंड को नशा मुक्त बना सके। झारखंड में सबका सहयोग हो ताकि हम लोग झारखंड को नशा मुक्त हम लोग राज्य बनाने में सफल हो। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हम बर्बादी कम करेंगे। हम अगले 5 साल में सब्जियों, फलों और अन्य उत्पादों की बर्बादी कम करने पर काम करेंगे। हम लोग वेस्टेज को हम लोग कम करेंगे। पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को अलग अलग माध्यम से, भले वो कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो, रेडिएशंस के माध्यम से हो, कैसे हम लोग वेस्टेज को हम लोग एकदम मिनिमाइज कर सकें, वैल्यू एडिशन हम लोग कैसे कर सकें। नीट मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा, उन्हें कब समझ आएगा कि यह परीक्षा गलत थी, 24 लाख बच्चों और भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्याय। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के का दिल कब पिघलेगा, कब उन्हें समझ में आएगा कि ये एग्जाम गलत हुआ, अन्याय हुआ 24 लाख बच्चों के साथ और इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ।